वाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट इन ए रिलेशन ऑन एन ऑनली नेचुरल नंबर की बात है, राइट द रेंज ऑफ आर, ये वाला बोला ना, तो क्या क्या चीज़ आ सकते हैं। एक्स वैल्यू वन लिया, एट करना है ना, तो एट करना था तो एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एट है ना, तो उसमें रेंज क्या आएगा, तुमने क्या लिखा, रेंज तो गलत आ गया, रेंज क्या आना चाहिए बताओ। जीरो कैसे आ जाएगा, टू फोर सिक्स कैसे आएगा, जैसे मतलब तुमने यहाँ पे जो लिखा है y इक्वल्स टू एक्स माइनस एट माइनस एक्स बाई टू, तो कट होना चाहिए, x का वैल्यू तुमने क्या रख सकते हो, वन रख सकते हो, ठीक है ना, नहीं होगा ना, तो y के जो वैल्यूज आएगा क्या क्या तुमने x के वैल्यूज के हिसाब से आएगा, जैसे टू से जो डिवाइजेबल हो जाएगी है ना, तो वही होगा, x की जगह पे तो जीरो नहीं रख सकते हो, वन रखोगे तो नहीं होगा, टू रखोगे तो हो सकते हैं, तो जो एक्स के वैल्यू टू रखोगे तो वाई के वैल्यू कितना होगा, थ्री होगी, ओके तो टू रख दिया, थ्री रख दिया तो होगा नहीं, फोर रख दिया तो कितना हुआ, टू हुआ, टू हुआ, तो फाइव तो रख नहीं सकते हो, ओके सिक्स रख रखो तो वन होगा, सिक्स रखो तो वन होगा, तो कितना होगा, वन टू थ्री तो हुआ रेंज, रेंज एक सेट बनेगा, दैट इज वन टू थ्री होगा, वन टू थ्री, जे वाला गलत हो गया, ठीक है बेटा, जैसे रिलेशन ऑन एन दिया है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा, सेकेंड क्वेश्चन था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को पाई वाई फोर एक्स वाई लेसर देन वन, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसके वैल्यू कितना है, वन कैसे आया, एक मिनट चेक करता हूँ, दैट इज वन करेक्ट, एक मिनट चेक कर रहा हूँ, रुक, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई तो पाई बाई फोर है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइन पाई बाई फोर एक्स प्लस वाई दिस वन, तो उसके बाद एक्स प्लस वाई दैट इज वन, ओके करेक्ट है, ठीक है करेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है, ई पे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन राइट द वैल्यू ऑफ सेवन ए माइनस आई प्लस ए होल क्यूब, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में तुमने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ए क्यूब इक्वल्स टू ए आ गया, होल क्यूब, तो माइनस आई है ना, यस माइनस आई करेक्ट आंसर है, तो अभी तक कितना गलत हुआ, एक गलत हुआ, कौन सा वाला हुआ, फर्स्ट वाला, क्वेश्चन ही पढ़ा नहीं था ठीक से, बोर्ड में इसी क्वेश्चन देते हैं कोई भी पढ़ ना ही पढ़ के कर रहे, अच्छा उसके बाद फोन अच्छा एक्स माइनस वाई, ये वाला तो डायरेक्ट एक्स प्लस वाई का वैल्यूज फाइंड करना है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, चेक करता हूँ, एक्स माइनस वाई, ओके करेक्ट है,
ओके करेक्ट हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 ना, 5 क्या था देखें। अच्छा इसकी वैल्यूज फाइंड करना है, ये तो डिटरमिनेंट्स में दिया 3x7 माइनस 248764 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें मिस्टेक चेक करता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस 2 के करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, 6 में क्या था, 0 to x t sin t dt है ना, फाइंड एफ डैश एक्स का मान फाइंड कीजिए ना, एफ डैश एक्स एफ एक्स इक्वल टू 0 to x t sin t dt देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। ओके क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स का वैल्यूज फाइंड होगी, पहले एफ एक्स का वैल्यूज फाइंड किया तुमने ना, क्या लिमिट क्या दिया था बेटा, जीरो टू एक्स टी साइन टी ना, एक्स साइन एक्स, ठीक है आंसर। देख थोड़ा सा बड़ा मेथड हुआ, बाकी तो सही है, ट्राई करोगे एक बार, ट्राई तो करना पड़ेगा, बाकी तो उस हिसाब से तुम्हारा आंसर सही है। कैसे करोगे, क्या क्या बताओ। ठीक है ना, वही चीज़ है, एफ डैश एक्स डायरेक्ट आ जाता है, एक्स साइन एक्स आ जाएगा ना, प्रॉपर्टी लगा देते बस जल्दी हो जाता, लेकिन बहुत बड़ा किया। अच्छा ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 7, 7 का एक मिनट, 7 जो है 7 में दिया था 2 to 4 x upon x square plus 1 उसका इंटीग्रेशन करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 डी एक्स हो गया तो कितना आ रहा है, हाफ लॉग, क्या लिखा बेटा, हाफ लॉग 2, इसमें दो एक ही क्वेश्चन तो था, हाफ लॉग कैसे कैसे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस टी 2 to 4 है ना भाई, लिमिट क्या है 2 to 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2x, तो उसे करके हाफ लॉग 2 to 4 था, मिस्टेक हो गई बेटा, पता चल गया क्या, जो टी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया टी में ही तूने एक्स वैल्यू पुट कर दिया ना, तो ये जो टी है टी में ही एक्स वैल्यू पुट कर दिया, इसे गलत हो गई। आंसर तुम्हें पता करना चाहिए ना, हाफ 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 लॉग 17/5, हाफ लॉग 17/5,
हाफ लॉग 17/5, ये गलत हो गया, हाफ लॉग 17/5 आएगा, ठीक है, गलत हो। क्वेश्चन नंबर 8, देखा एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिस्टेक कितने होते हैं, इसलिए सिलेबस एक टाइम में कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। पर फॉर द दिस वन और पैरेलल हो गया, 8 बोला पैरेलल के लिए, 8 ठीक है, पैरेलल ये वाला अच्छा से किया तूने। पी वन वी टू सी वन सी टू पी इक्वल्स टू -1/3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करनी है ना, डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी पहले फाइंड किया फिर ए के साथ डॉट कर दिया, ठीक है, माइनस रहने भी करेक्ट है। तो अभी तक दो गलत हुआ ना बेटा, अभी 10 बचा है, 10 में क्या, दिस वन इफ द कार्टिसन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस वन, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो बहुत आसान है, वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i का -4j का +3k का, ठीक है, प्लस लैम्डा -5i का -5 7j का +2k का, ओके ठीक है, तो ये वाला भी सही हुआ तो, लेकिन वो तो पॉइंट्स मिल गया, डायरेक्शंस रेशियोज है बस आ जाएंगे, डायरेक्ट लिख दें, ठीक है ना, आर इक्वल्स टू बस और क्या, 3 -4 3 -4 +3 दे दी तो उससे निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट सही है, तो आउट ऑफ 10 यू आर गेटिंग 8, तो आज दो नंबर चला गया ना सेक्शन है, ओके तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो ये सब जो मिस्टेक है बेटा, मैथ का सिलेबस ख़त्म होने से ही नहीं स्पीड पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज इसके बाद एनडीए का पेपर सॉल्व करना है, फिर जेई मेंस का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, काफ़ी सारे काम है बेटा, हाँ थोड़ा मिस्टेक को ध्यान रखे इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, ठीक है, बीच बीच में एग्जाम देने से पहले वीडियो को देखा करना है, हाँ समझ गया, तो इंसिडेंस पता चल जाएगा, ओके ठीक है।